हमने जो एक्सपेक्ट किया था वही है, रिजल्ट उसी हिसाब से आया है। जिस तदाद से और जिस जज्बे से लोगों ने हिस्सा लिया है इलेक्शन में, खासकर हमारे इलेक्शन में जलसे जुलूस में, उसे हमने भाप लिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुनावारी दी जीत दर्ज करेगा। और ये जो आपने कहा कि 14,500 की लीड से हमने जो सीट जीती है, ये मुझे लग रहा था कि इट वॉज एक्सपेक्टेड, बट आई वॉज एक्सपेक्टेड इट वुड बी अराउंड 10,000 or 11,000 वोट्स, बट इट हैज़ गॉन बियॉन्ड दैट। देखो वेव तो चले नहीं, उन्होंने धोखे से हमको हमसे वोट लिया, लोगों से वोट लिया गुज़श्ता उस पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो वो झूठ पे मबनी था। जो कुछ उन्होंने कहा वो झूठ पे मबनी था। उन्होंने कहा था रिवायती सियासत हम ख़त्म करेंगे, उन्होंने कहा था कि खानदानी सियासत हम ख़त्म करेंगे। जो जो उन्होंने कहा वो सब झूठ साबित हुआ। और मैंने ये पहले भी कहा था, पहले ही कहा था कि ये बीजेपी का एजेंट है, वो साबित हुआ वो बीजेपी का एजेंट है। मैं अभी भी कह रहा हूँ वो बीजेपी का एजेंट है, मुझे कोई कबाहत नहीं इस कहने में कि वो बीजेपी का एजेंट है, आज भी है, और जितने उसके साथ मिले हुए हैं वो भी बीजेपी के एजेंट है। और एक आदमी को बचाने के लिए वो लोगों से वोट मांग रहा था कि इसके NIA के छापे पड़े हैं। लोगों ने अब समझ लिया, अब एक आदमी को बचाना है तो NIA के छापे से डेवलपमेंट कहाँ गई, वो इशूज़ कहाँ गए, जो जज्बे जज्बात हम 370 से जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाते। लेकिन लोगों ने समझा, लोगों ने वोट दिया अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को विकार और इज्जत के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। यह बात सही है, देखिए जितनी हमें स्ट्रेंथ होगी, मेजॉरिटी होगी, उतना ही हम इंशाल्लाह स्ट्रांग उभर के आएंगे, हमारी आवाज़ उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो असेंबली में जाकर जितने हमारे पास सीट्स हैं उतनी आवाज़ें उभर के आ जाएंगी, उतना हम स्ट्रांग हैं। तो इंशाल्लाह रहमान, जो हमारे इशूज़ हैं, मेजर इशूज़ जो 370 से जुड़े हुए हैं, उन पर हम बात करेंगे। कुछ भी हो हम बात करना नहीं छोड़ेंगे 370 पर, कुछ भी हो, कुछ भी हो। हमने वादा किया है लोगों से कि 370 पे हम बात करेंगे, इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे। जेल भी जाना पड़े उसके लिए जेल जाएंगे, कोई बात नहीं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।